नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहां ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोर माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए चार चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। आजमगढ़ के महाराजगंज थाना क्षेत्र के सिकंदर आईमा गांव में दो दिन पूर्व दलित बस्ती के लोगों को मारपीट कर बुरी तरह से घायल करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। घटना के संज्ञान में आते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़ी कार्रवाई के निर्देश के बाद महाराजगंज थाना अध्यक्ष सस्पेंड कर दिए गए हैं। घटना के बाद एसपी समेत जनपद के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर घटना की पड़ताल करने में जुट गए। मामले में 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 7 आरोपी फरार हैं। इन फरार आरोपियों पर एसपी ने 25,000 का इनाम घोषित किया है। महाराजगंज थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर आईमा गांव में ट्यूबवेल पर पानी लेने जा रही दलित बालिकाओं से छेड़खानी का विरोध करने पर समुदाय विशेष के लोगों ने बुधवार देर शाम को इकट्ठा होकर दलित बस्ती पर हमला कर दिया था। महिलाओं और बच्चों को भी लाठी डंडे और धारदार हथियार से पीटा गया था। इस घटना में एक दर्जन लोग घायल हो गए थे। घटना के बाद से ही गाँव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। जौनपुर के बाद आजमगढ़ में इसी तरह की घटना के बाद सीएम योगी ने सख्ती दिखाई। इसके बाद एसपी त्रिवेणी सिंह ने एसओ महाराजगंज अरविंद पांडे को निलंबित कर दिया। मामले में अब तक एहसान कुल्लू, मोहम्मद आरिफ नौसाद, लुकमान शाहिद अकरम, फयाज अली अहमद, मोहम्मद अरशद, मोहम्मद असलाम और मोहम्मद अम्मार को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ एनएसए और गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने फरार आरोपियों पर 25,000 का इनाम घोषित किया है। परसों शाम की घटना है। महाराजगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिकंदरपुर आयमा गांव है, उसमें गांव के जस्ट सटा हुआ एक ट्यूबवेल है जिसपे मुस्लिम पक्ष के लड़के बैठे रहते थे और सटी हुई दलित बस्ती है, वहां से जो लड़कियां निकलती थी, अनुसूचित जात की लड़कियां या औरतें निकलती थी, उस पर छीटा कसी करते थे। इसको लेकर के जब अनुसूचित जात के लोगों ने इसको आपत्ति की तो इन लड़कों ने, जो मुस्लिम पक्ष के लड़के, आक्रामक हो गए और जाकर के मारा पीटा, पथराव किया। उसमें करीब 10-11 लोगों को छोटे थी, उनको इलाज कराया जा रहा, गंभीर धाराओं में मुकदमा किया। 7 लोग फरार हैं, हमने 4 टीमें गठित की है, वो भी तुरंत गिरफ्तार किए जाएंगे। और चूंकि घटना बहुत ही गंभीर प्रकृति की है जिससे कानून व्यवस्था की बड़ी समस्या वहाँ पैदा हो गई थी, इसलिए इन पे एनएसए की कार्रवाई हम करने जा रहे हैं और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। देखिए, इसमें कुल 12 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, वो जेल जा रहे हैं, और जो 7 लोग फरार हैं जिनके लिए हमारी टीमें अभी भी लगी हुई हैं, उन पे मैंने 25,000 रुपये का 7 पे इनाम घोषित कर दिया है। आजमगढ़ में गुरुवार रात को एक और व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। शहर कोतवाली के कोट किला निवासी 62 वर्षीय बुजुर्ग की प्राइवेट लैब में हुई जांच में रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट आने के बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज में आइसोलेट कर दिया गया है और कोट किला मोहल्ले को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। रास्ते में बैरिकेटिंग कर दी गई है जिससे मोहल्ले से कोई बाहर ना जा सके और ना ही कोई व्यक्ति बाहर से अंदर प्रवेश कर सके। जिले में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 164 पहुंच गई है। इसमें 75 अभी एक्टिव हैं, 85 डिस्चार्ज हो चुके हैं और 4 की मौत हुई है। शहर के कोट किला निवासी बुजुर्ग किडनी की समस्या से पीड़ित हैं और 1 माह पूर्व मुंबई से आए थे। मुंबई में उनकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई थी। 9 जून को उनकी तबीयत बिगड़ी तो उन्हें शहर के रैदूपुर में स्थित लाइफलाइन हॉस्पिटल ले जाया गया। यहां कोविड टेस्ट के बाद उनकी डायलिसिस की गई। इसके बाद परिजन उन्हें लेकर घर चले गए थे। डॉक्टर लाल
पैथ से गुरुवार रात को मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि लाइफलाइन हॉस्पिटल की डायलिसिस यूनिट को 24 घंटे के लिए सील कर दिया गया है। सैनिटाइजेशन के बाद इसे फिर से शुरू किया जाएगा। वहीं लाइफलाइन हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर पीयूष यादव ने बताया कि मरीज की तबीयत ज़्यादा खराब थी, उन्हें तत्काल डायलिसिस की आवश्यकता थी, इस वजह से कोविड टेस्ट के बाद डायलिसिस कर दी गई। अब जबकि मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, इनके संपर्क में आए डॉक्टर समेत 5 स्टाफ को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया है और इनका सैंपल भी जांच के लिए भेजा जाएगा। विकास पुरुष के रूप में प्रसिद्ध हरदिल अजीज, अति लोकप्रिय मृदुल स्वभावी पूर्व पालिका अध्यक्ष स्वर्गीय गिरीश चंद्र श्रीवास्तव को गए एक दशक के करीब हो गए, लेकिन अभी भी उनकी छवि आज भी लोगों के नैनों में जीवित है। अपने कार्य व व्यवहार के चलते आज भी सर्व समाज उन्हें याद किया करता है। शुक्रवार को उनकी 10वीं पुण्यतिथि थी। पुण्यतिथि पर नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। पालिका अध्यक्ष व उनकी धर्मपत्नी शीला श्रीवास्तव, पुत्र प्रणीत श्रीवास्तव हनी सहित सभासदों व पालिका कर्मियों ने स्वर्गीय गिरीश को अपने अपने श्रद्धा सुमन समर्पित कर उनके कार्यों को याद किया। लोगों ने उनसे जुड़े अपने संस्मरणों को साझा करते हुए उनके विराट हृदय व कुशल नेतृत्व की प्रशंसा की। स्वर्गीय गिरीश चंद्र श्रीवास्तव जो कि पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका परिषद थे, उनकी 10वीं पुण्यतिथि थी, जो कि वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं उनके सभी सदस्यों और कर्मचारीगण ने नगर पालिका में सभागार में एक साथ एकत्रित होकर सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलोअप करके सब लोग ने बढ़िया से उनकी पुण्यतिथि को मनाया। 2 मिनट का मौन सबने रखा उनकी आत्मा की शांति के लिए, और जो हम इस महामारी से इस वक्त जूझ रहे हैं, इस महामारी से हम जल्द से जल्द उभर सकें, और सब ने यही प्रार्थना की कि जैसे पहले हमारा सब लोग साथ रहते थे उसी तरह से रह सकें, उसके लिए सबने 2 मिनट का मौन रख के प्रार्थना की। आजमगढ़ के विकास पुरुष कहे जाने वाले स्वर्गीय गिरीश चंद्र श्रीवास्तव की 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर शुक्रवार को नगर पालिका सभागार में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। लॉकडाउन की वजह से इस कार्यक्रम में सिर्फ सभासदों को बुलाया गया था, लेकिन जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो सभासद के साथ ही कई वार्डों के सभासद के पति और उनके प्रतिनिधियों के साथ ही ठेकेदारों का जमावड़ा लग गया। सभी ने पूर्व पालिका अध्यक्ष को श्रद्धांजलि अर्पित की। बड़ी संख्या में सभासद पति, उनके प्रतिनिधि और ठेकेदारों का कार्यक्रम में शिरकत करना गुरुटोला कटरा वार्ड के सभासद विशाल श्रीवास्तव और कुछ अन्य सभासदों को नागवार लगा। अन्य सभासदों को तो नगर पालिका अध्यक्ष शीला श्रीवास्तव के प्रतिनिधि प्रणेश श्रीवास्तव हनी ने शांत करा दिया, लेकिन विशाल श्रीवास्तव नहीं माने। उन्होंने अपनी जमकर भड़ास निकाली। उनका कहना था कि बोर्ड मीटिंग की तरह इस कार्यक्रम में सभासद पति या उनके प्रतिनिधि और ठेकेदारों के आने का क्या औचित्य है, जबकि कोरोना महामारी की वजह से ज्यादा संख्या में लोगों के एकत्र होने पर रोक है। विशाल श्रीवास्तव ने ABC चैनल से अपनी पीड़ा व्यक्त की, कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बोर्ड मीटिंग में भी यही लोग हावी रहते हैं। अध्यक्ष के चहेते कुछ चुनिंदा सभासद और ठेकेदार मिलकर नगरपालिका चला रहे हैं, जिससे सारे विकास कार्य ठप पड़े हैं। उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत वह जिले के आला अधिकारियों से भी करेंगे। आज सर जब मैं नगरपालिका परिषद में पहुंचा, वहां सभागार में एक छोटी सी श्रद्धांजलि सभा थी माननीय गिरीश चंद्र श्रीवास्तव, स्वर्गीय गिरीश चंद्र श्रीवास्तव जी की 10वीं पुण्यतिथि थी। जब मैं वहां पहुंचा तो आज देश में कोरोना जैसे घनिष्ठ बीमारी को लेकर सब लोग कितना परेशान है, उसको देखते हुए छोटी सी श्रद्धांजलि सभा थी, जिसमें सभासदों को एक लेटर मिला था जिसमें सभासदों को वहाँ उपस्थिति बताई गई थी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो सर वहाँ सभासदों के छोड़ की संख्या तो 2-4 थी, सभासद पतियों की संख्या, बच्चों रिश्तेदारों की संख्या, ठेकेदारों की संख्या ही वहाँ भरी हुई थी, जिसको देख के मुझको बहुत ही बुरा लगा। मैंने माननीय स्वर्गीय गिरीश चंद्र श्रीवास्तव जी को अपनी पुष्प अर्पित करके वहाँ उनका चरण स्पर्श कर घर वापस लौट आया। जी मैंने वहीं सबके सामने कहा कि ये चीज़ बहुत गलत है, क्योंकि सभागार का एक अपना नियम होता है, एक
वो होता है, गरिमा होती है, जिसको आप ये गलत है, तो उन्होंने उन्होंने इसका कोई भी उत्तर ना दिया। उसके बाद मैंने वहाँ से चला चल दिया। तो आपको क्या लगता है कि नगर पालिका में इस समय सभासद पति और ठेकेदारों को कब्जा हो गया क्या? एकदम पूरी तरह आज की डेट में ना तो कोई बोर्ड बैठक ना कुछ ना कुछ, जो हो रहा है सब उन्हीं लोग के ही करने पे लग रहा है चल रहा है। इसलिए मुझको बहुत ही ये कार्य बहुत बुरा लगा, इसलिए मैंने वहाँ से अब इसके लिए मैं क्या बताऊं कि वहाँ नगर पालिका अध्यक्ष से नहीं, ईओ साहब हो चाहे वहाँ के कोई कर्मचारीगण, कोई भी सुनवाई नहीं है, क्योंकि वहाँ ठेकेदार और पुराने सभासदपति ही लोग ही चला रहे हैं नगर पालिका। इसमें इन्वॉल्व होंगे तभी ये हो रहा होगा, और जो सभासद मौके पे हैं, जब न बोर्ड होती है न कुछ होगा तो कोई बात होती ही नहीं है। कुछ ही लोग मिलके नगर पालिका चला रहे हैं, उनके खास जी, सभासद हैं वही। जी जी जी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंडलायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने मंडलों की समीक्षा कर विकास योजनाओं को गति प्रदान करें। मुख्यमंत्री के निर्देश के क्रम में शुक्रवार को मंडलायुक्त कनक त्रिपाठी ने मंडली बैठक का आयोजन कर मंडल में मनरेगा, एक्सप्रेसवे, हाईवे, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग, पेयजल व वनीकरण के कार्यों की समीक्षा करते हुए मंडली अधिकारियों को लॉकडाउन में बाधित हुए विकास कार्यों को पुनः शुरू कराए जाने के निर्देश दिए। सड़कों के गुणवत्तापूर्ण निर्माण, पौधरोपण की जियो टैगिंग के साथ साथ मनरेगा के कार्यों में प्रवासी श्रमिकों को प्राथमिकता दिए जाने के निर्देश उनके द्वारा दिए गए। इस महत्वपूर्ण बैठक में अनुपस्थित रहे सिंचाई व वन विभाग के मंडली अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मंडलायुक्त ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी की है। विकास कार्यों को गति प्रदान करने के लिए बैठक बुलाई गई थी और लॉकडाउन से पहले जो भी विकास कार्य बाधित हो गए थे उनको पुनः शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं सभी कार्यदायी संस्थाओं को। क्योंकि ये मनरेगा कन्वर्जेंस के संबंध में भी बैठक की गई थी, उसमें अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक में सिंचाई विभाग के और वन विभाग के अधिकारी नहीं आए थे, उनको आज प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की गई है। उन्हें जो कार्य शुरू होने वाला क्या उसमें जो श्रमिक मजदूर जो बाहर से हैं उनको काम दिया जाएगा? हाँ, जो उनको प्राथमिकता दी जाएगी कि जो भी हमारे प्रवासी श्रमिक आए हैं यहाँ पर उनको प्राथमिकता के आधार पर मनरेगा कन्वर्जेंस के तहत काम उनको उपलब्ध कराया जाए। हमारी सर्विस मैम शिकायत मिल रही कि प्रवासियों को काम नहीं मिल रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? लापरवाही जो बरती जा रही है, इस तरह की कोई पुष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जो और अधिकारियों से फीडबैक प्राप्त हुआ कि कई प्रवासी मजदूर जॉब के लिए वहाँ अपना ऑफर तो दे देते हैं, लेकिन जब उन्हें जॉब करने की समय आता है, जब उनको कार्य उपलब्ध कराया जाता है, तो वो अक्सर वो अनुपस्थित हो जाते हैं। अगर कोई इस तरह की पुष्ट शिकायत प्राप्त होगी तो जरूर दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष की रिहाई व जरूरतमंदों की सेवा को लेकर 6 जून से शुरू हुआ कांग्रेस का सेवा सत्याग्रह आंदोलन शुक्रवार को संपन्न हो गया। सेवा सत्याग्रह आंदोलन के जरिए अजय लल्लू की महारसोई चलाकर कांग्रेस ने जनपद में 20,000 जरूरतमंदों को भोजन कराया, मास्क का वितरण किया। पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि जरूरतमंदों के साथ कांग्रेस हमेशा खड़ी रही है और खड़ी रहेगी। सेवा करना अपराध नहीं है, अगर यह अपराध है तो कांग्रेस बार बार करेगी। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रदेश की वर्तमान सरकार सेवा को अपराध मानती है। यदि ऐसा नहीं होता तो उनके प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू को वह गिरफ्तार नहीं करवाती। देखिए, सेवा सत्याग्रह का 7वां दिन है, अंतिम दिन है। आप सबको मालूम है कि हमारा देश कोरोना संक्रमण की चपेट में है। उत्तर प्रदेश में भी जरूरतमंद के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी थी। हमारी नेता ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश की प्रभारी के निर्देश पर हम लोग हर जरूरतमंद को राहत कार्य पहुंचा रहे थे। हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी जो सेवा कार्य में लगे हुए थे उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया। तो अजय लल्लू की महारसोई चलाने का एक उद्देश्य था। अजय लल्लू की महारसोई के माध्यम से सेवा सत्याग्रह एक अभियान के रूप में चलाया जा रहा था, जिसकी शुरुआत 6 तारीख को हुई, 12 तारीख को आज समापन है। इस रसोई के माध्यम से, सेवा सत्याग्रह के माध्यम से हम आजमगढ़ जनपद को संदेश देना चाहते हैं कि सेवा करना अपराध नहीं। अजय कुमार लल्लू जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष,
जिन्होंने श्रमिक का जीवन जिया है, मजदूरी की है, अगर आज आपदा के दौर में जरूरतमंद के साथ खड़े थे, और वही नहीं सामाजिक ताना माना जो हमारा है उस ताने बाने के तहत गांव का हर व्यक्ति जिसकी क्षमता थी अपनी क्षमता अनुसार जो लोगों की मदद कर रहा था, लेकिन सेवा करना इस सरकार में अपराध माना जा रहा है। अजय कुमार लल्लू जी के ऊपर आपराधिक मुकदमे पंजीकृत किए गए जो द्वेषपूर्ण है, पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है। उसी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सेवा सत्याग्रह की शुरुआत किए हैं जिसका आज समापन है।